नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं S24। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जैसा कि मौके पे आज मौजूद है, यहाँ कुछ किसान इकट्ठा हुए हैं। रेलवे का भू अधिग्रहण यहाँ पे किया जा रहा है। इस संबंध में किसान यहाँ इकट्ठे हैं और असंतुष्ट हैं। रेलवे का भू अर्जन पहले हो चुका था, पूर्व में हो चुका था, जिसकी आज कब्जे की कार्रवाई मौके पर होनी है, तो वही कार्रवाई हो रही है। पूर्व में हो चुका है एवं जो राशि है किसानों को मिल चुकी है। किसानों का कहना है अभी कुछ लोगों को नहीं मिली है, कुछ किसानों को अभी भी राशि कुछ पूरा अवार्ड का है, तो वो पूरा अवार्ड भी प्रोसेस में है जो कि चल रहा है भू अर्जन अधिकारी के पास। और किसानों को जानकारी कोई गाइडलाइन भी है कि जॉब वगैरह देते हैं? रेलवे की गाइडलाइन की मुझे जानकारी नहीं है और मुझसे संबंध नहीं है। अभी कोई दबाव से यहाँ भू अर्जन किया जाए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। भू अर्जन अवार्ड बहुत पहले पारित हो चुका था, लगभग शायद 15-16 में पारित हो चुका था, और वर्तमान में उसका कब्जा लिया जा रहा है। जो रेलवे काम कर रही है तो कब्जा लेगी। सभी आसपास के जो गांव हैं सभी में ये कार्रवाई चल रही है। अभी लगभग सभी गांव में प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है कब्जे की, और यहां पर चल रही है अभी, है ना। बहुत बहुत परिचय में आपका? सोनिया परियार, नायब तहसीलदार। परिचय? मैं सुरेश राठौर। किस मामले को लेके यहां पे इकट्ठा हैं आज आप लोग? ये सर, रेलवे द्वारा हमारी भूमि अधिग्रहण की गई थी सन 2018 में, ठीक है। तो उसमें जो उन्होंने अधिग्रहण करने के बाद जो लेआउट एरिया उन्होंने लिया था, उस लेआउट एरिया में भी हमारा सप्लीमेंट्री एरिया कुछ निकला है। मतलब जितना पैसा दिया था उससे अधिक एरिया इन्होंने मतलब कवर्ड किया था, जो कि हमें जब ऐसा लगा कि ये अधिक एरिया है तो हमने उसकी पूरी नाप करवाई प्राइवेट, और फिर उसके बाद है तो हमने आपत्ति ली सर, SDM साहब के यहाँ आवेदन लगाया। उसके बाद उन लोगों ने जब उसको एरिया को दोबारा नाप तोल किया तो उसमें सप्लीमेंट्री एरिया निकला है, जिसका आज तक हमें पैसा नहीं मिला है। एक ये इशू हमारा। दूसरा इशू हमारा मेन है कि सन 2018 में हमारी भूमि अधिग्रहण की गई है रेलवे द्वारा। तो पूर्व में जैसा हमें जानकारी है, कुछ हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं उससे संबंधित, तो 11/11/2019 के पूर्व में जिनकी भी भूमि अधिग्रहण की गई वो रेलवे भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार प्रभावित परिवार के एक सदस्य को सरकारी रेलवे में जॉब का प्रावधान था, और उस प्रावधान के अनुसार हमारी मांगे हैं। इसका कोई नोटिफिकेशन है? हाँ जी जी सर, सर मेरे पास सर नोटिफिकेशन भी है उसका, और बार बार उस मामले में हम लगभग 2 साल से, जब से हमारी भूमि अधिग्रहण हुई है, भूमि अधिग्रहण होने के पश्चात से ही बार बार SDM साहब को, DRM रेलवे DRM साहब को, GM साहब दक्षिण पश्चिम रेलवे बोर्ड जबलपुर को भी हमने ज्ञापन दिया। बार बार हम ज्ञापन दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पिछले 24 महीनों में एक भी बार किसी भी तरह का हमें संतुष्ट जवाब नहीं मिला। हम लोग ये चाहते हैं, हमारी बेबुनियादी मांग नहीं है। हमारी जानकारी के अनुसार और ये रेलवे बोर्ड का जो नोटिफिकेशन है इसके अनुसार हम भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार सरकारी रेलवे जॉब की पात्रता में आते हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर हमारी सोच और हमारी मांगें बेबुनियाद हैं तो रेलवे बोर्ड या तो हमें लिखित में दे दे कि आप जिस मांग पे अड़े हो वो बेबुनियाद है, और रेलवे बोर्ड में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो कि सरकारी भूमि अधिग्रहण होने पे आपको रेलवे में सरकारी नौकरी प्राप्त हो। अभी जो मुआवजे की बात थी, तो मुआवजा मिला है अथवा नहीं मिला? नहीं सर, मुआवजा मिला है तो मुआवजा उतना ही मिला है जो इनने फर्स्ट टाइम हमारा जमीन अधिग्रहण किया वो मुआवजा तो इन्होंने दिया था, लेकिन एरिया उससे ज़्यादा कवर्ड किया था, वो भी हमारी हम सब लोगों की जानकारी के और थोड़ी जागरूकता के अनुसार हमने जब उस पर आवाज़ उठाई तो उसमें जब नाप हुआ तो उसमें भी सप्लीमेंट्री एरिया निकला, जिसका पैसा हमें आज तक नहीं मिला सर। और ये और भी मान रहे हैं कि आज क्या प्रमुख रूप से यहाँ पे तहसीलदार और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं? ये सर यही था कि ये लोग क्या है, अचानक बिना किसी नोटिस बिना किसी जानकारी के कब्जा कर रहे थे जमीन पे, तो हम लोगों ने उसको रोकने का प्रयास करा थोड़ा कि भैया हमारी मांगे हैं और हमारे अभी वोट से और राजस्व से चर्चाएं चल रही हैं, कुछ मांगे हैं हमारा बुनियादी, तो उस पर कोई सुनवाई नहीं करते हुए अभी वर्तमान स्थिति में अभी तहसीलदार मैडम यहाँ उपस्थित हुई थी राजस्व से, और SDM साहब और तहसीलदार मैडम के माध्यम से जब रेलवे ने उनसे ये बोला कि हमें कब्जा दिलवाया जाए, तो उन्होंने मतलब जानकारी देकर और दल बल के साथ ज़बरदस्ती किसानों से ज़मीन छीनने के लिए पुलिस बल यहाँ तैनात करा, और स्वयं भी आके यहाँ हमसे कोई संतुष्ट सवाल जवाब नहीं करे। मतलब एक जो प्रेशराइज जो रहता है
एक धमकी टाइप देके कि आप लोग काम करो मैं खड़ी हूँ, कैसे कोई रोकता है ये सर। आप एक जनप्रतिनिधि भी हैं क्षेत्र से, आप जी क्या यही मांग है कि किसानों की जो मांग है, जो लीगल मांग है, इन्होंने ज़मीन तो ज़्यादा ले ली, मुआवजा कम मिला इन लोगों को। वो बाद में हम लोगों ने, किसान लोग जागरूक हुए, इन्हें 90 पर्सनल पैसे देके, जिसके बाद इसमें ज़्यादा ज़मीन भूमि पाई गई है, तो उसका मुआवजा इनको चाहिए। जैसे कि सुरेश भाई ने बताया कि इसमें योग्यतानुसार जॉब का प्रावधान है, तो रेलवे तो स्वीकार करती है मगर लिखित में कुछ नहीं देती। राजस्व विभाग का काम भी जमीन पे कुछ नहीं है, हवा फायर चल रही है, मैडम आती है, दो दो मीटिंग करती हैं और चली जाती हैं, तो धरातल पे कुछ नहीं है। किसान संतुष्ट नहीं है इन लोगों से, डराटे वो हो जाता है। आज प्रमुख मांग ये है कि यह तो किसानों की सप्लीमेंट्री डली जाए, ठीक है ना, जिसके बाद अधिकार दिया जाए, उनको अधिकार दिया जाए, और जॉब का जो अधिकार है उनको या तो लिखित में, अब एकदम तो मिलेगी नहीं जॉब, आश्वासन दिया जाए, लिखित में दे दिए जाए कि जब भी यहाँ जब भी होगा तो चालू होगा तो आपको प्रावधान मिला जाएगा। आश्वासन की भी अगर आप लोगों को दिया जाए, हाँ हम उन लोग से बाहर नहीं है, मगर ये तानाशाही चल रही है इन लोगों की, किसानों को डरा रहे हैं कि ना भाई पुलिस बल को बुला लिया कि नहीं मैं खड़ी हूँ चलाइए आप, तो ये कौन सी अड़ीबाजी है। किसान कोई इनसे भीख थोड़ी मांग रही है, उनकी जमीन दे रहा है बाप दादा की जमीन, उनका हक मांग रहे हैं। बहुत बहुत पेपर राइटिंग में चाहिए सर आश्वासन। जय जवान जय जवान जय किसान। नमस्कार, आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल फिर एक नई खबर के साथ।